हेलो बच्चों, 11th क्लास, ये आप लोगों का थर्ड लेक्चर है। कल हम लोगों ने बात की थी डिफरेंशिएशन के बारे में और कुछ बेसिक्स आप लोगों को उसके बताए थे। अब यहाँ से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंशिएशन को आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि और आगे डिफरेंशिएशन के अंदर क्या रूल आते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोगों का भैया एक बिल्कुल पर्टिकुलर पैटर्न है कि नेक्स्ट क्लास लेने से पहले हम प्रीवियस क्लास का एक छोटा सा पॉइंट दोबारा से रिवाइज करते हैं, तो पहले हम उस कॉन्सेप्ट को एक बार देखते हैं जिस पर हमने क्लास को कल ख़त्म किया था और फिर वहाँ से हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आपको याद भी होगा। मैंने आपसे कहा था कि डी अपॉन डी एक्स का मतलब होता है बच्चों डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी आप फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। डी अपॉन डी वाई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, डी अपॉन डी जेड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन के सिंबॉल को रिप्रेजेंट करता है और किसी चीज को रिप्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं करता है। d अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन डी वाई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, d अपॉन डी जेड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, ओके बच्चों, जैसे कि मैं यहाँ आपके सामने लिखता हूँ x टू दी पावर 5, मैं यहाँ आपके सामने लिखता हूँ x टू दी पावर 4 और मैं यहाँ आपके सामने लिखता हूँ x टू दी पावर माइनस 3। ये तीन कंडीशंस को हमें सॉल्व करना है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल का पूरा कॉन्सेप्ट इन तीन एग्जांपल से आपका एक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि कल हम लोग इनकी बात कर चुके हैं, आज फिर हम लोग इनकी बात कर रहे हैं, देन हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, चलिए आप देखिए, एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पावर आ जाएगी आगे, पावर में से एक कम हो जाएगा। जो x की पावर 5 है वो 5 x के सामने आ जाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और यहाँ भी x का टर्म है, तो इसके साथ में बच्चों आ जाएगा dx अपॉन dx, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर बनेगा 5x की पावर 4। कुल मिलाकर ये हमारे पास में आंसर बना है स्टूडेंट। अब आप यहाँ देखिए भाई, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x टू दी पावर 4 का। रूल क्या है बच्चों, रूल ये है पावर आगे और पावर में से हम लोग एक कम कर देंगे। तो ये जो x की पावर 4 है, इस 4 को स्टूडेंट हम लोग आगे लेकर आ गए और 4 में से हम लोगों ने एक माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास में 3 बच गया, यानी ये हमारे पास में बचा 4x टू दी पावर 3। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी आप देखिए कि कैसे आंसर हमारा कंप्लीट बनेगा। यहाँ क्या है x और यहाँ क्या है y, ये अलग है और ये अलग है, तो साथ में बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, दोनों डिफरेंट है, यहाँ तो दोनों सेम थे तो कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया था, ये दोनों डिफरेंट है तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। ये चेन रूल के अकॉर्डिंग होता है बच्चों, चेन रूल के मुताबिक हमें फंक्शन का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होता है। अभी हम लोग यहाँ आते हैं बच्चों और यहाँ देखते हैं कि x टू दी पावर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है। पहले आप सिंपल रूल अप्लाई करो, पहले आप इसे पढ़ो कि इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है क्या भाई हमारे पास में, सुन रहे हैं ना सभी लोग, इसका मतलब क्या है, x टू दी पावर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करना है z के रेस्पेक्ट में, x टू दी पावर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करना है z के रेस्पेक्ट में, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपल रूल अप्लाई करते हैं, पावर को आगे लेकर आ जाते हैं और माइनस 3 में से माइनस 1 करेंगे तो ये माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 3 एक्स टू दी पावर माइनस 4, सिंपल डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कर दिया। इसके बाद आप लोग देखिए, ये क्या है x और ये क्या है z, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, तो इसके साथ में स्टूडेंट आ जाएगा dx अपॉन dz, dx अपॉन dz,
कल की पूरी हमारी 30-35 मिनट की जो क्लास थी बच्चों, वो पूरा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थी। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करते हैं और डिफरेंशिएशन के और रूल्स हम लोग जानते हैं कि आगे के रूल क्या होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है, किस तरीके से डिफरेंशिएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, कहाँ हम लोग इसका यूज़ करते हैं, x का मतलब क्या होता है, dx का मतलब क्या होता है और रूल नंबर 1 क्या है। ये जो आपके सामने है ना बच्चों, ये हमारे पास में रूल नंबर 1 फर्स्ट रूल है स्टूडेंट हमारे पास में, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। देखिए रूल नंबर सेकंड है क्या बच्चों, रूल नंबर सेकंड क्या पढ़ोगे आप लोग इसे बच्चों, आप लोग इसे पढ़ोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। किसका डिफरेंशिएशन करना है जरा समझिए, हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स टू द पावर एन का, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा, प्लस वाई टू द पावर एन का, प्लस जेड टू द पावर एन का। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट से आपका काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यानी इस क्वेश्चन से आपका बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारा रूल नंबर सेकंड है बच्चों, कैसे अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ तीन फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है जो आपस में एडिशन में है। कौन कौन है वो तीन फंक्शन, एक्स की पावर एन, वाई की पावर एन, Z की पावर n, और उन सब के बीच में पॉजिटिव का साइन है। और जो डिफरेंशिएशन हम लोगों को बच्चों करना है वो x के रेस्पेक्ट में हमें करना है। तो पहला काम क्या होगा, पहले मैं आपको ये बताता हूँ बच्चों, पहला काम ये होगा एक बार डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है वो हम इसके साथ लेंगे, फिर इसके साथ लेंगे, फिर इसके साथ लेंगे, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा भाई हमारे पास में तीनों के साथ अलग अलग लेने से। एक बार इसके साथ चलो देखो क्या बनेगी बात, d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n प्लस d अपॉन डी एक्स वाई टू द पावर n d अपॉन डी एक्स जेड टू द पावर n। ओके स्टूडेंट, हमने तीनों के साथ सिंबल अलग अलग ले लिया है। अब यार ये तो हम ऑलरेडी जस्ट अभी पढ़कर आए, मैंने आपको पीछे एक एग्जाम्पल स्टूडेंट इसी के ऊपर दिया, मैंने आपको जस्ट अभी एक एग्जाम्पल इसी के ऊपर दिया है। देखिए क्या कंडीशन रहने वाली है, देखिए आप ध्यान से भाई, अगर मैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा। देखो x की पावर में n है, पावर आ जाएगी आगे और पावर में से एक कम हो जाएगा। ये जो x की पावर में n है ना, ये x के सामने कोफिशियंट बन गया है, पावर से कम कर दिया, ये हमारा डिफरेंशिएशन का रूल है। अच्छा यहां x है और यहां भी x है, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dx, ध्यान से। अब यहां ये प्लस y की पावर n है स्टूडेंट, n आ जाएगा सामने और इसमें से एक कम हो जाएगा, n y n माइनस वन। गौर से देखिएगा यहां क्या है y और यहां क्या है x, जब आप दोबारा से करोगे तो ये बनेगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। अब ऐसे यहां देखते हैं बच्चों, ये z है ये x है, पहले z की पावर n का डिफरेंशिएशन करो। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग समझ रहे होंगे बहुत आराम से, धैर्य पूर्वक पेशेंस रख के आप बात को समझें और फिर उसे अप्लाई करें। आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक देने वाला हूं बच्चों, उस लिंक में एक आपको DPP 1 मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 शीट नंबर 1। उस शीट में आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर बेस्ड 10 प्रॉब्लम्स हैं, 10 क्वेश्चन हैं, उन 10 क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में आंसर आपको कमेंट्स में मेंशन करने हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए है, बी है, सी है या डी है, सेकंड का आंसर ये है, थर्ड का आंसर ये है, फोर्थ का आंसर ये है, ठीक है। एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की और डिफरेंशिएशन को आप लोग सीख जाएंगे। तो देखिए ये z की पावर n है, जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा बच्चों n, z की पावर n है, z की पावर n, n आ जाएगा सामने, ये n में से 1 माइनस कर देंगे हम लोग। यहां क्या है z और यहां क्या है x, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों dz अपॉन dx, ये हो गया है स्टूडेंट dz अपॉन dx। ना तो ये कैंसिल आउट हो रहा है ना ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया हम लोगों का, तो ये बचा बच्चों हमारे पास में nx
n माइनस वन प्लस एन वाई एन माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन जेड एन माइनस वन डी जेड अपॉन डी एक्स। ये बच्चों हमारे पास में रूल नंबर टू है, कुछ इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, ध्यान से आप लोग इसे नोट करिए और समझिए कि मैंने क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर सेकंड है स्टूडेंट। अब हम बात कर लेते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है अपने पास में, देखते हैं जरा बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। एग्जाम्पल कहें या आप रूल कहें, बस आपको समझनी है बात ध्यान से। डी अपॉन डी वाई, मुझे बताएगा कि इसका मतलब क्या है कोई? डी अपॉन डी वाई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, अच्छा मैंने यहां क्या लिखा आप जरा देखिए, x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस z की पावर 3। बच्चों मैंने ये लिखा यहां पर, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। मैं बच्चों बहुत ही बेसिक लेवल पर अभी बात कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग उस बात को अच्छे तरीके से समझ जाएं, इसीलिए आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी कंडीशंस बताई जा रही हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, डी अपॉन डी वाई स्टूडेंट मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। सबसे पहला काम है बच्चों हमारा, इस डी अपॉन डी वाई को हम सबके साथ अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे ही हम इसे सबके साथ अलग अलग लिखेंगे, ये बनेगा d अपॉन डी वाई एक्स टू दी पावर 5 प्लस d अपॉन डी वाई वाई टू दी पावर 4 प्लस d अपॉन डी वाई 5x स्क्वायर प्लस d अपॉन डी वाई जेड की पावर 3। बच्चों हमने सबके साथ इसे अलग अलग लिख लिया। ठीक है, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, और इस बात को आप बिल्कुल क्लियरली याद रखें कि ये सिर्फ एक सिंबल है, ये सिर्फ एक सिंबल है जो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंशिएशन होने के बाद में ये हट जाएगा, उसके बाद में इसका कोई काम नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए सिंपल, पहले रूल अप्लाई करिए, वाई के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो? एक्स टू दी पावर 5 का। जब हम x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है स्टूडेंट। x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, 5 x टू दी पावर 4। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी आप लोगों को, 5 आगे और 5 में से हम लोग एक कम कर देंगे। अब ये क्या है? x, और ये क्या है? y। तो स्टूडेंट ये बन गया है डी एक्स अपॉन डी वाई, यानी x चेंज हो रहा है y के रेस्पेक्ट में। x जो है ना, x बच्चों वो बदल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में बदल रहा है? y के रेस्पेक्ट में बदल रहा है। ठीक है, समझ आ रही बात? जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, मान लीजिए कि हमारी वीडियो की जो क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन चेंज हो रही है, इंप्रूव हो रही है, तो मैं कहूंगा डीवी, यानी डीवी माने मेरी वीडियो की जो क्वालिटी है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है डीवी यानी वीडियो की क्वालिटी चेंज हो रही है, इंप्रूव हो रही है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? ये कंडीशन इसका मतलब होता है बच्चों। प्लस यहां भी वाई और यहां भी वाई, तो पहले इस पर सिंपल रूल अप्लाई करो, 4y की पावर 3। ये तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा रूल क्या है, पावर को आगे लिख लेना है, पावर में से एक कम कर देना है। यहां भी वाई है और यहां भी वाई है, तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी वाई, कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। अब आप यहां देखिए, ये 5 है। देखो यहां एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान से, मैं रेड से लिख रहा हूं इसीलिए इंपॉर्टेंट बात है। 5 क्या है? 5 एक कांस्टेंट है, इसे आपको बाहर रखना है बच्चों, इसे पूरे तामझाम से बाहर रखिए, इसका डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा, 5 का डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं है। जब 5 किसी वेरिएबल के साथ में होगा तो 5 या 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो, कोई भी नंबर आपको दे रखा है, कोई भी कांस्टेंट आपको दे रखा है, आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करना है,
उसे यहाँ से उठाकर यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए। मैंने वैसा ही किया, मैंने यहाँ लिख लिया, मेरे पास में बचा एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर दो, पावर आ जाएगी आगे, पावर में से एक कम हो जाएगा, ये हो गया। ये एक्स है, ये वाई है, जब मैं इसका दोबारा से करूँगा तो क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई। उम्मीद है समझे होंगे आप लोग। अब यहाँ देखिए, ये जेड की पावर थ्री है, थ्री जेड स्क्वायर। अब आप देखो ये जेड है और ये वाई है, तो ये बन जाएगा डी जेड अपॉन डी वाई। बच्चों ये हमारे पास में फाइनल कंडीशन बन गई है और ये हमारे पास में बन गया है आंसर। कुछ इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास में है क्या। देखिए अगला एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है। डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम कोई किसी भी वैल्यू को बदल रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में वो वैल्यू हमारी बदल रही है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ डी एक्स अपॉन डी टी मीन्स एक्स हमारा बदल रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए देखिए आगे, डी अपॉन डी टी मैंने अंदर लिखा बच्चों, टी टू दी पावर फोर प्लस टू एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस फोर अपॉन वाई स्क्वायर। बड़ा शानदार सवाल है बच्चों, समझ आएगा आप लोगों को। सबसे पहला काम आपका ये है, आप इस डी अपॉन डी टी को तीनों के साथ में अंदर की तरफ अलग अलग लिख लीजिए। तो मैंने इसे तीनों के साथ में अलग अलग लिख लिया, डी अपॉन डी टी टी टू दी पावर फोर प्लस टू आ जाएगा बाहर। मैंने अभी कहा था कि टू को, जब टू इसके साथ में है तो टू को अंदर नहीं रखना है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। जब कांस्टेंट किसी एक्स के या वाई के या जेड के साथ में होगा, उस कांस्टेंट को बाहर रखो, सिर्फ अंदर की तरफ एक्स वाई और जेड को ही आपको रखना है। तो ये एक्स की पावर माइनस थ्री है, ये आ गया यहां पर। अब देखो यहां पर फोर आ जाएगा बाहर, अंदर आएगा डी अपॉन डी टी, और जब ये वाई स्क्वायर बच्चों ऊपर पहुंचेगा तो ये बन जाएगा वाई की पावर माइनस टू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतनी बात समझ आई होगी, करें ध्यान से जरा देखो। अब आप देखो ये क्या है, ये भी टी है और ये भी टी है, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में। सो स्टूडेंट रूल बताइए क्या है रूल। रूल है टी की पावर फोर है ना, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, ये भी टी है और ये भी टी है, तो ये बनेगा डी टी अपॉन डी टी। देखिए उसके बाद टू, ये एक्स की पावर माइनस थ्री है बच्चों, जब एक्स की पावर माइनस थ्री का करेंगे, माइनस थ्री आ जाएगा सामने, माइनस थ्री में से एक कम करोगे तो कितना आएगा, माइनस थ्री माइनस वन, स्टूडेंट ये हो जाएगा माइनस फोर। अब गौर करने वाली बात ये है भाई कि ये तो है एक्स और ये है टी, तो यहां आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। अब यहां देखो आप, फोर वाई की पावर माइनस टू है, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे चाहे किसी के भी रिस्पेक्ट में करें, पहले तो कॉमन रूल लगना है। कॉमन रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर है तो उसे बाहर लिख लो और जो वेरिएबल है उसे अंदर लिखो, चाहे कोई भी वेरिएबल हो, उसके बाद में वेरिएबल पर डिफरेंशिएशन अप्लाई करो, पावर को आगे लेके आ जाओ, लेकर आ गए पावर को आगे, पावर में से एक कम कर दो माइनस के थ्री। अब आप देखो ये वाई है और ये टी है, तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसे सॉल्व करके कुछ इजीएस्ट वे में लिख सकते हो, ये कैंसिल आउट, फोर टी टू दी पावर थ्री, टू इंटू माइनस थ्री, माइनस के सिक्स, एक्स की पावर माइनस फोर, डी एक्स अपॉन डी टी, फोर इंटू माइनस टू, एट वाई की पावर माइनस थ्री, डी वाई अपॉन डी टी। ये बच्चों हमारे पास में फाइनल आंसर बनेगा। भाई मैं कई बार आप लोगों को कह चुका हूँ कि दो तीन बेसिक सिंपल रूल है जिन्हें आपको अप्लाई करके चलना है यार, बहुत मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। देखो थोड़ा सा ध्यान से कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बस वही कंडीशन आप लोगों को यहाँ अप्लाई करनी है। सिंपल रूल तो यह है कि पावर को आगे लेकर आओ, पावर में से एक कम कर दो, फिर उसके बाद में अगर यहाँ टी है और यहाँ भी टी है तो डी टी अपॉन डी टी, अगर यहाँ एक्स है और यहाँ टी है तो एक बार डी एक्स के साथ, एक बार टी के साथ, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा।
प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए उसके बाद आप लोग आगे, मैं कुछ बेसिक्स आप लोगों को बताता हूँ। देखिए बेसिक क्या है, बेसिक ये है, बताइए इसका मतलब क्या है, डी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है। हाँ भाई क्या मतलब है डी अपॉन डी एक्स का, डी अपॉन डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों फिजिक्स में बिना इसके काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, कुछ भी करके सीखना ही पड़ेगा और बहुत आसान है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग फंक्शन, ग्राफ को प्लॉट करना, इक्वेशंस को सॉल्व करना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छे से हम लोगों से आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो बेसिक टेंथ वाला नहीं है, थोड़ा सा लेवल राइज हो जाएगा, लेवल हम लोगों को राइज करके थोड़ा सा देखना है। ओके बच्चों चलिए देखिए आप लोग हम क्या करने वाले हैं। मैंने लिखा डी अपॉन डी एक्स एक्स, डी अपॉन डी वाई वाई, डी अपॉन डी जेड जेड। ठीक है उसके बाद देखो बच्चों, मैंने लिखा डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट, डी अपॉन डी एक्स फाइव, डी अपॉन डी एक्स एट। इसके बाद मैंने लिखा डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। बच्चों आप लोगों के लिए ये चीज नहीं है, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एक और फंक्शन आता है, उसे हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लॉग एक्स। अभी तुम इतना याद रखो कि लॉग एक्स बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह है। और एक फंक्शन आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स। इन 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 सब का तरीका हम लोगों को जानना है। देखो आप लोग, अगर यहाँ खाली एक्स है और यहाँ भी एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन वन होगा, यहाँ भी वाई यहाँ भी वाई डिफरेंशिएशन वन होगा, यहाँ भी जेड डिफरेंशिएशन वन होगा, भूला नहीं है ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टेंट चाहे कुछ भी हो हमेशा डिफरेंशिएशन जीरो होता है, यानी आप डिफरेंशिएशन कर तो रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन एक्स है कहाँ भाई। इसका मतलब तो यह है कि हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन किसका कर रहे हो यार, के का कर रहे हो, एक्स तो नहीं है इसके अंदर, इसीलिए डिफरेंशिएशन कितना है जीरो। पांच भी कॉन्स्टेंट है, इसमें भी एक्स नहीं है, इसका भी डिफरेंशिएशन कितना है जीरो, इसका भी डिफरेंशिएशन कितना है जीरो। वन डिफरेंशिएशन कब होगा, जब आप एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, वन कॉन्स्टेंट का किसी के भी रेस्पेक्ट में करेंगे जीरो। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट वन अपॉन एक्स, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा। इस पर अभी ज्यादा गौर ना दें आप लोग, आगे चलकर इसे हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, यहां सिर्फ इनका मतलब याद रखें, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, याद रखना है आप लोगों को। अब इन सभी चीजों को मैं एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करता हूं बच्चों, मैं एक प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करता हूं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है बच्चों जरा समझिएगा। प्रॉब्लम यह है डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर फाइव प्लस फोर एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। स्टूडेंट हमारे पास में ये एक प्रॉब्लम है, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है तो सबसे पहला काम बच्चों हमारा ये होगा कि इस d अपॉन डी एक्स को एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, सबके साथ एक एक बार हम लोग जब रखेंगे तो ये बनेगा d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर फाइव d अपॉन डी एक्स। देखो बच्चों क्या बनने वाला है हम लोगों का, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर माइनस थ्री मैंने अंदर रखा। बच्चों गौर करिएगा, मैंने इस पूरे टर्म में से सिर्फ x की पावर माइनस थ्री को अंदर रखा, बाकी इसके साथ में ये जो फोर है ना मैंने यहां नहीं रखा, उस फोर को मैंने यहां बाहर रख लिया, क्योंकि आप जानते हैं कॉन्स्टेंट को बाहर रखना है। उसके बाद d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर दो को नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे, x की पावर माइनस दो डी अपॉन डी एक्स ये आ जाएगा पांच यानी कॉन्स्टेंट। करते हैं स्टूडेंट डिफरेंशिएशन, एक्स की ये भी एक्स है ये भी एक्स है, एक्स की पावर फाइव का डिफरेंशिएशन करेंगे फाइव एक्स की पावर फोर, साथ में आएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, कैंसिल आउट हो जाएगा वन आ जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर। एक्स की पावर फाइव का डिफरेंशिएशन ये हो गया, डी एक्स डी एक्स आएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, मैं लिख नहीं रहा हूँ ठीक है। उसके बाद फोर एक्स की पावर माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन करेंगे
पावर आगे बच्चों और पावर में से एक कम करेंगे माइनस फोर हो जाएगा, ये भी x है ये भी x है, यहां भी dx अपॉन dx आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं। अब यहां आ जाइए, ये भी x ये भी x, x की पावर माइनस टू, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे माइनस थ्री, यहां भी x साथ में आएगा dx अपॉन dx, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, तीन चार क्वेश्चंस के अंदर लिखकर बता चुका हूं, अब जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया होगा। पांच क्या है भाई, कांस्टेंट है, कोई x तो नहीं है पांच के साथ, नहीं है, तो डिफरेंशिएशन कितना हो गया जीरो, ध्यान रखेंगे। चलिए करते हैं सॉल्व, फाइव एक्स की पावर फोर माइनस के ट्वेल्व एक्स की पावर माइनस फोर माइनस के टू एक्स की पावर माइनस थ्री। सो स्टूडेंट फाइनली जो आंसर हमारा निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पॉज करके वीडियो को नोट डाउन करिए और देखिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या बच्चों हमारे पास में, नेक्स्ट एग्जाम्पल है d अपॉन डी जेड। पढ़िए जरा इसका मतलब क्या है, कौन पढ़ेगा इसका मतलब क्या है, d अपॉन डी जेड का मतलब है स्टूडेंट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। देखो क्या आया हमारे पास में, यहां आया z की पावर 4, यहां आया 4x की पावर 3, यहां आया ओनली z, यहां आया हमारे पास में 1, इसका डिफरेंशिएशन हमें बताना है कितना होगा। तो भैया आप जानते हो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, इस वाले को एक बार इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ। चलिए भाई d अपॉन डी जेड जेड टू दी पावर 4 प्लस d अपॉन डी जेड एक्स की पावर 3, बताइए एक्स की पावर 3 के सामने क्या लिखा है 4, यहां आ जाएगा, उसके बाद प्लस d अपॉन डी जेड ये आएगा z प्लस d अपॉन डी जेड यहां आएगा वन। मैंने सबके साथ इसे ओपन करके लिख लिया, बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आई होगी क्योंकि हमने सबके साथ इसे अलग अलग लिख लिया है। ठीक है भाई, अब देखो ये भी z है ये भी z है, रूल अप्लाई करो इस पर, क्या कहता है रूल, पावर आगे पावर में से एक कम हम लोग कर देंगे तो ये बन जाएगा 4z की पावर 3। ओके, अब यहां देखिए प्लस 4x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, 3 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मैंने इसके साथ में कुछ और नहीं लिखा, क्यों, यहां भी z है और यहां भी z है तो dz अपॉन dz 1 आ जाएगा, कैंसिल आउट होके कट जाएगा, लेकिन यहां लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा, यहां क्या है x और यहां क्या है z, डिफरेंट डिफरेंट है ना, कैंसिल आउट तो नहीं हो पाएंगे। तो पहले मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया ये आ गया, अब मैं इसके साथ लिख दूंगा यहां पर dx अपॉन dz। ओके, इसके बाद बच्चों ये भी z ये भी z, जस्ट मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि जब x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 आएगा, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 आएगा, z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा बच्चों। तो z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 और इस 1 का, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली स्टूडेंट हमारा आंसर बन गया है 4 z की पावर 3 12 एक्स स्क्वायर 12 एक्स स्क्वायर dx अपॉन डी जेड प्लस वन। बच्चों ये हमारा आंसर बनने वाला है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं और इस एग्जाम्पल के बाद में आपका बेसिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, फिर आपको बेसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और उसके तुरंत बाद हम थोड़े से अच्छे लेवल के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, ऐसा डिफरेंशिएशन जिसका यूज अच्छे क्वेश्चंस के अंदर होता है। अब तक स्टूडेंट हम बात कर रहे थे बेसिक डिफरेंशिएशन की, इसके बाद कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों देखो लास्ट एग्जाम्पल है क्या अपने पास में, d अपॉन dt, क्या मतलब है भाई इसका d अपॉन dt का,
डी अपॉन डी टी का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टूडेंट आपके पास में आया अंडर रूट टी प्लस वन अपॉन अंडर रूट टी का होल स्क्वायर। बड़ा अच्छा सवाल है यार, जो बच्चे सोचकर करेंगे वो इस प्रॉब्लम को कर पाएंगे। पहले आप इसे सोचो कि किस तरीके से प्रॉब्लम को बनाना है। d अपॉन डी टी अंडर रूट टी प्लस वन अपॉन अंडर रूट टी का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। भाई जहां ब्रैकेट का स्क्वायर बन जाए या पावर तीन या पावर चार या पावर पांच बन जाए, ऐसा तो हमने कोई तरीका नहीं सीखा अभी तक। हमने कोई तरीका सीखा है ऐसा? बिल्कुल नहीं सीखा है। पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट की पावर को ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? हम लोग बेसिक रूल अप्लाई कर देते हैं बच्चों। बेसिक रूल क्या है? d अपॉन डी टी, इसे माना a, इस पूरे को माना b, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ओके स्टूडेंट, हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को ही ओपन कर दिया यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखते हैं कि अब रिजल्ट क्या आया। अब रिजल्ट बना हमारे पास में d अपॉन डी टी अंडर रूट टी का होल स्क्वायर करेंगे t, 1 अपॉन अंडर रूट टी का होल स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन t, इससे ये कैंसिल आउट, ये बचेगा खाली दो। ठीक है, चलो अब ऐसा करते हैं, इस सिंबल को एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, समझ आया होगा यहां तक। हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, अब बनेगा d अपॉन डी टी टी प्लस d अपॉन डी टी वन अपॉन टी प्लस d अपॉन डी टी टू। ठीक है बच्चों, करते हैं सॉल्व। देखो यहां खाली t है ना, खाली t, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। जब इसका डिफरेंशिएशन इसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, आंसर 1 आता है। अगर यहां x और यहां भी x 1, यहां y यहां भी y 1, यहां z यहां भी z 1, लेकिन सेम होना चाहिए, पावर नहीं होनी चाहिए। यहां भी t की पावर 1, यहां भी t की पावर 1, डिफरेंशिएशन हो गया 1। अच्छा, यहां आप एक काम करिए, d अपॉन डी टी टी को ऊपर ले जाएंगे, t की पावर माइनस 1 हो जाएगी। 2 क्या है बच्चों? कांस्टेंट। यहां t का कोई टर्म तो नहीं है, जब 2 का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा। सो स्टूडेंट, मैं यहां आंसर लिख रहा हूं 1, t की पावर माइनस 1 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से हम एक कम कर देंगे। तो t की पावर माइनस 1 में से एक कम करेंगे, t की पावर माइनस 2, तो बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने सारे डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल जाने, किस तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लास्ट में चलते चलते मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट दोबारा से रिपीट आप कर देता हूँ बच्चों। पॉइंट ये है, अगर कहीं ऐसा टर्म बनता है कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो और कांस्टेंट इसके साथ में आ गया, तो उस स्थिति में आपको एक काम करना है, इस कांस्टेंट को यहाँ से बाहर रखना है, 5 को आपको बाहर रखना है, और ये बन जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर 5। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, एंड फाइनल आंसर इज 10x। ठीक है स्टूडेंट, फाइनल आंसर हम लोगों का आ जाएगा 10x। कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों आज की क्लास हमारे मैथमेटिकल टूल्स के फर्स्ट पोर्शन, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, उसके ऊपर एक बेसिक क्लास थी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है जिसमें एक DPP है, और उस DPP के अंदर 10 क्वेश्चंस हैं, उन 10 सवालों को आपको सॉल्व करना है और कमेंट्स में आंसर को मेंशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए जो नीचे नंबर दिए गए हैं उन पर आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, और 7 तारीख के बाद यानी 7 अप्रैल के बाद में अपनी वीडियोस को एक्सेस करने के लिए गूगल स्टोर से यानी प्ले स्टोर से आप हमारे ऐप जिसका नाम है लाइफाई लर्निंग, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट।